पर शेषनाग इसमें क्रिस्टो भगवान है पर से। और यहाँ पत्थर पानी में तैर रहे हैं। क्या बोल रही है? 20 रुपीज। हे गाइस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस साइड डीप दिस स्टोरर, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग की शुरुआत स्ट्रेट फॉरवर्ड शुरू हो रही है वृंदावन से। सो फिलहाल हमने नहा के सब रेडी हो चुके हैं, अब हम जा रहे हैं सीधे प्रेम मंदिर की तरफ। दीपेश अंदर ना रहा है, उसके बाद हम चलते हैं नीचे सीधे वृंदावन की तरफ। लेट्स गो गाइस। तो गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं प्रेम मंदिर के लिए और हम उसकी बाइक नहीं लेके जा रहे ना, ये भैया के यहाँ जा रहे हैं हम टुक टुक पे। यहाँ पे पार्किंग वार्किंग का बहुत इशू होने वाला है, तो हम बाइक वाइक नहीं लेके जा रहे हैं, टुक टुक में चलेंगे, क्योंकि हमारे होटल से अप्रोक्स 1 किलोमीटर दूरी है, तो बाइक ले जाना मैं इतना नेसेसरी नहीं समझा, तो ऑटो में ही चलते हैं फिलहाल टुक टुक में। तो यार ये जो ब्लॉग रहने वाला है ना, ये पूरा इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग रहने वाला है रिलेटेड टू द वृंदावन टेम्पल, तो लास्ट तक मिलना देना। तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं प्रेम मंदिर के मेन गेट पर, ये रहा का मेन गेट, और यहाँ से एंट्री का। तो मंदिर में एंटर होते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलेगा। तो जो सामने देख रहे हो ना, ये रहा यहाँ पे शेषनाग, इसमें क्रिस्टो भगवान है पर से। एंड जो मेन टेंपल है ना, वो ये रहा। तो ना जो मेरे सामने जो ये चीज़ है ना, ये पूरा वृंदावन है, मतलब जो लोग राधा कृष्ण देखते होंगे उन लोग को पता होगा, यहाँ पे रहा है झरना टाइप का। अगर आप मंदिर के बैक साइड पर आओगे ना, बैक साइड से व्यू कुछ इस टाइप का दिखता है, जहाँ पे कृष्ण भगवान ग्वालाला जाते थे गायों के साथ। सामने देख रहे हो वो राधा जी और कृष्ण भगवान, और ये यहाँ पे गाय वाय है। इस मंदिर की ना जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है, मतलब कुछ चीज़ होता है ना जो शब्दों में बयान नहीं कर सकते भाई, वही ये चीज़ है। देखो आप में से जो लोग महाभारत देखते होंगे ना, उन्हें पता होगा कि यार महाभारत में अर्जुन का साथ दिया था श्री कृष्ण ने, तो सामने उनका रथ है और घोड़े वोड़े में मतलब अर्जुन और श्री कृष्ण बैठे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। प्रेम मंदिर का जो मेन गेट है जहाँ से अंदर जाते ना, वो ये रहा भाई एंट्रेंस गेट। एंड अभी मेरे सामने जो पर्वत है ना, वो गोवर्धन पर्वत है श्री कृष्ण की, जो एक उंगली उठाया था, ये रहा देख रहे हो। जिन लोगों ने श्री कृष्ण के बारे में पहले पढ़ा हो या श्री कृष्ण कभी देखा हो ना, उन लोगों को ये चीज़ समझना बहुत ईजी हो जाएगा, लेकिन जिसने कभी देखा ही नहीं ना, वो उसके लिए तो भाई बहुत टफ है ये चीज़ समझना, लेकिन फिर भी आप समझ जाओगे, एक बार जरूर विजिट करना प्रेम मंदिर। तो अब मैं आपको ना राम सेतु पुल दिखाने वाला हूँ, जिसमें राम जी की सेना ने ना पत्थर पे श्री राम लिख के लंका गए थे, वो आपको दिखाता हूँ, आप वो देखिए पत्थर पे श्री राम लिखा है, और यहाँ पत्थर पानी में तैर, मतलब मैं पहले बोल रहा ना भाई, एक्सप्लेनिंग करेगा बहुत बढ़िया इनका, जरूर विजिट करना एक बार। दी मोस्ट इजीस्ट वे टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ श्री कृष्णा, तो आप एक बार जरूर प्रेम मंदिर में विजिट करना, और जितना हो सकता है मैंने आपको यहाँ सब दिखा दिया। फिलहाल अब यहाँ से बाहर आ जाने का टाइम है, और यहाँ पे हम कुछ फोटोज और वीडियोज बनाते हैं, वो आप इंस्टा पे देख लेना। तो गाइस अपार्ट फ्रॉम द स्टोरी ऑफ श्री कृष्णा, तो यार लोग यहाँ पे ना रूल्स एंड रेगुलेशन भी तोड़ रहे हैं, यहाँ पे आप साफ देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है कृपया जूते चप्पल यहाँ उतारा है, और लोग यहाँ जूते चप्पल उतार के अंदर फोटो वोटो खिंचा रहे हैं, बस ये फोटो खिंचाने के लिए आ रहे लोग, तो प्लीज यार ऐसा मत करो। आज के टाइम पे अगर कोई भी मंदिर में आता है खाली फोटो खिंचाने के लिए आता है, उसके पीछे के मेहनत देखते हैं, लाइक मैं दिखाता हूँ सामने मूर्ति वगैरह है, इसके पीछे के लोग मेहनत नहीं देखते, खाली मूर्ति देखते हैं, फोटो खींचते हैं, चल देते हैं, इसके पीछे जो मेहनत होती है बहुत मेहनत होती है भाई। मैं ना आपको कुछ फोटोज और वीडियो दिखाता हूँ, उसके पीछे आप मेहनत देखना, ठीक है, समझ देख के पता लग जाएगा कि मेहनत कितनी लगेगी इंसान की। जिस वे में इन लोगों ने समझाया ना, सबसे ईजीएस्ट वे है श्री कृष्ण के बारे में समझना, तो आप जरूर विजिट करना प्रेम मंदिर में। फिर जाने वक्त आपको यहाँ पे एक लास्ट वो दिखा जिसमें श्री कृष्ण और राधा जी झूला झूल रहे हैं, और ये गोपी। तो यार ये सब बस प्रेम मंदिर के बारे में, होप यू गाइस गॉट ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस टेंपल, सो इफ यू गेट इट मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, मिलते हैं जो कुछ कैसे लोग, तब तक कुछ मस्त मस्त खाते पीते रहो, बाय। तो अभी हम जैसे प्रेम मंदिर से बाहर गए ना,
तो एक आंटी ने यहाँ पे राजा दे लगा दिया था, तो हमसे बोला अच्छा लग रहा है, हम लगा हाँ, तो क्या बोलती है 20 रुपीज वुमेन देने पड़े भाई, 1% 20 रुपीज ठीक है, बट कोई नहीं चाहिए।